उधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आतंकी संगठन अयोध्या में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। आशंका जताई गई कि आतंकी उस समारोह में शामिल होने वाले नेताओं और बड़े अधिकारियों को निशाना बना सकते हैं, ताकि किसी भी तरह 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खलल डाला जा सके। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक देश का माहौल बिगाड़ने के लिए आतंकी इस समारोह में शामिल होने वाले नेताओं और बड़े अधिकारियों को टारगेट कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर आतंकी संगठन 22 जनवरी को या उससे पहले अयोध्या में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। अलर्ट ये भी जारी किया गया कि कुछ कट्टरपंथी संगठन एक समुदाय के लोगों को भड़काने में जुटे हैं और उनकी प्लानिंग अयोध्या या फिर यूपी के किसी दूसरे शहर का माहौल खराब करने की है, ताकि दुनिया को ये लगे कि भारत में एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। सूत्र बताते हैं, इस अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने खतरे से निपटने के लिए हाई लेवल मीटिंग की और उस बैठक में सभी सुरक्षा एजेंसियों को अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों पर पैनी निगाह रखने के निर्देश दे दिए गए। और इसी कड़ी में अयोध्या की सुरक्षा के मद्देनजर यूपी पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती कर दी। इस सिस्टम की मदद से अयोध्या के आसमान में उड़ने वाले किसी भी ड्रोन को फौरन जमीन पर गिराया जा सकेगा, क्योंकि 22 जनवरी को यूपी पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसीलिए अयोध्या में राम मंदिर के आसपास के पूरे इलाके में कोई भी ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। ड्रोन के खतरे को भांपते हुए अयोध्या में यूपी पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती कर दी। इस सिस्टम की मदद से आसमान में उड़ने वाले परिंदों तक पर नजर रखी जा सकेगी। दावा तो यह है कि एंटी ड्रोन सिस्टम की पकड़ में आने के बाद आसमान में उड़ रहे किसी भी ड्रोन को कंट्रोल करने का अधिकार पुलिस कर्मियों के हाथ में आ जाएगा, यानी पुलिस वाले एक तरह से आसमान में उड़ रहे किसी भी ड्रोन को हैक कर लेंगे। पुलिस के बड़े अफसरों ने इस सिस्टम की जांच करने के लिए कुछ ड्रोन उड़ाकर भी देखे। पहले जमीन से कुछ ड्रोन उड़ाकर आसमान में भेजे गए और फिर एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए उन्हें गिराने का अभ्यास किया गया। इस बीच अयोध्या के अमावा मंदिर में सोने के कलश की स्थापना कर दी गई। अमावा मंदिर की ओर से राम मंदिर ट्रस्ट को सोने का धनुष बाण भी दिया जाएगा। अमावा मंदिर राम मंदिर के बगल में और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले वहां सोने के कलश की स्थापना का कार्यक्रम हुआ। कलश स्थापना से पहले कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं और नाचते हुए मंदिर की ओर बढ़ी। कलश यात्रा के बाद करीब 300 किलो के बड़े से सोने के कलश को मंदिर की छत पर स्थापित करने का काम शुरू हुआ। इसकी लंबाई भी करीब 8 से 10 मीटर के आसपास है और स्वर्ण युक्त ये पूरा कलश है। इस कलश पर 1 किलो सोने की परत लगी है। अमावा मंदिर ने इस कलश के अलावा सोने का धनुष बाण भी मंगाया। करीब 10 करोड़ की ये दोनों चीजें चेन्नई से आई। कलश की स्थापना राम मंदिर और हनुमान गढ़ी के बीच में बने ऐतिहासिक अमावा मंदिर में की गई और सोने के धनुष बाण को राम मंदिर ट्रस्ट को दिया जाएगा। इसके अलावा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अहमदाबाद से 500 किलो का विशेष नगाड़ा भी अयोध्या पहुंच गया। इस नगाड़े को अहमदाबाद में ही तैयार किया गया और फिर 500 किलो के इस खास नगाड़े को गाजे बाजे के साथ अयोध्या लाया गया। इस नगाड़े को सड़क के रास्ते अयोध्या लाया गया। इसके लिए शोभा यात्रा निकाली गई और रथ पर रखकर इस नगाड़े को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या पहुंचाया गया। शोभा यात्रा के अयोध्या में एंट्री करते ही रथ पर सवार पुजारी इसे बजाने लगे। अहमदाबाद से ये शोभा यात्रा 5 जनवरी को रवाना हुई थी और 5 दिन की यात्रा के बाद 500 किलो का ये नगाड़ा अयोध्या पहुंच गया और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए अहमदाबाद से अयोध्या के लिए विमान सेवा शुरू हो गई। ये सेवा हफ्ते में 3 दिन मिलेगी। इससे पहले अयोध्या से दिल्ली के लिए फ्लाइट जाती थी और अहमदाबाद का नंबर दूसरा, वहां से विमान कंपनी इंडिगो की फ्लाइट रवाना हुई और इस फ्लाइट में सवार होने के लिए कुछ लोग राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के वेश में एयरपोर्ट पहुंचे। उड़ान से पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पर छोटा सा जश्न भी मनाया गया। यात्रियों और विमान कंपनी इंडिगो के कर्मचारियों ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। रवाना होने से पहले इन लोगों को राम की मूर्ति तोहफे में दी गई और एयरपोर्ट पर राम नाम के नारे लगने लगे।
अहमदाबाद से पहले 30 दिसंबर को दिल्ली से अयोध्या के लिए हवाई यात्रा शुरू हुई थी और कुछ ही दिन बाद अयोध्या के लिए अहमदाबाद से विमान ने उड़ान भरी। इसके लिए आयोजित उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। दोनों नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से विमान को हरी झंडी दिखाई। उद्घाटन समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया और अहमदाबाद से अयोध्या जाने के लिए दूसरी विमान सेवा को ग्रीन सिग्नल मिल गया। अहमदाबाद से अयोध्या जाने के लिए हफ्ते में 3 दिन फ्लाइट मिलेगी। 15 जनवरी को अयोध्या के लिए मुंबई से भी विमान सेवा शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 16 जनवरी को अयोध्या के लिए दिल्ली से एक और फ्लाइट शुरू हो जाएगी। यानी अयोध्या जाने के लिए उड़ानें बढ़ने वाली हैं। यही नहीं, विमान के अलावा बस सेवाएं भी बढ़ा दी गई। उत्तराखंड के हरिद्वार से अयोध्या के लिए सीधी बस को हरी झंडी दिखाई गई। इस बस में यात्रा के लिए लोगों को ₹970 की टिकट लेनी होगी।